आप सभी को नमस्कार। मैं इस वक्त गुजरात पर हूँ, गुजरात के सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के भावनाथ क्षेत्र पर हूँ। भावनाथ यानी गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत की तलेटी यहाँ पर है। तलेटी यानी पहाड़ को चढ़ने का जो निचला जो स्थल है उसको तलेटी कहा जाता है। उस तलेटी का जो क्षेत्र का एरिया का नाम जो है वो भावनाथ से जाना जाता है, क्योंकि भावनाथ यहाँ मंदिर है। इस भावनाथ मंदिर से ही यहाँ पर भावनाथ क्षेत्र से जाना जाता है। इस क्षेत्र पर आना है तो आप अहमदाबाद से जूनागढ़ के लिए ट्रेन मिलेगी और बस भी मिलेगी। और जूनागढ़ के जो बस स्टैंड से हो या फिर रेलवे स्टेशन से हो, वहाँ से इस भावनाथ क्षेत्र के लिए डायरेक्ट ऑटो में आ सकते हैं। भावनाथ क्षेत्र यानी गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत इतना महत्वपूर्ण स्थान है, इतना अद्भुत है, क्योंकि यहाँ का जो महान सिद्ध पुरुष लोग यहाँ देख सकते हो, पूरा जो आश्रम है, कई सारे आश्रम हैं, वो सारे नाथ पंथ के हैं। यानी मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ जी की जो शिष्य परंपरा, उनका जो शिष्य परंपरा वृंद में जो आते हैं, उनको जो मानने वाला, यहाँ पर कई सारे आश्रम हैं। और इन साधु संतों का कहना है तो उन्होंने सीना टोक के कहता है, इतना विश्वास से कहता है, क्योंकि उनका अनुभव में है या फिर उनका गुरु लोगों का अनुभव में है। और वो कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान और गोरक्षनाथ जी दोनों रात में साथ में निचले भाग तक आते हैं और यहाँ से फिर अपने स्थान पर चले जाते हैं। हर दिन की ये रूटीन क्रिया है, ऐसा उनका कहना है। और इतना ही नहीं, ये जैन क्षेत्र भी माना जाता है, क्योंकि जैसे आप पहाड़ चढ़ते हैं, प्रारंभ में आपको मिलेगा नेमिनाथ भगवान की बहुत सुंदर सा भव्य मंदिर है और उनका भी तपस्थल यहाँ पर है। और अपना जो साधु संतों का कहना है, वो नेमिनाथ कोई और नहीं तो ये नाथ पंथ का शिष्य परंपरा वृंद के ही वो है, मगर इन्होंने अपना धर्म के अलग से मान लिया है, ऐसा उनका कहना है। भी देखिए नेमिनाथ, नाथ आया कैसे, यानी ये नाथ पंथ के ही उनका शिष्य वृंद में ही आया हुआ है, मगर धीरे धीरे कई सारे सालों के बाद ये अपना अलग ही बना के रख लिया है, ऐसा इन साधु महाराजों का कहना है। जैसे पहाड़ चढ़ने के बाद नेमिनाथ भगवान जी की यानी जैन तीर्थों का जो मंदिर मिलेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे गोमुख गंगा की कुंड मिलेंगे। तो वो गोमुख कुंड का एक अद्भुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब दत्तात्रेय भगवान के पीछे एक गाय होता है, वो गाय का समाधि उस कुंड का नीचे है, ऐसा वहाँ साधु का कहना है। तो ये बहुत अद्भुत सा मंदिर है, वो मंदिर का यहाँ का जो स्थानीय राजा था उन्होंने उसको बनवाया है। आगे और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर अम्बा देवी का मंदिर है, और अम्बा देवी मंदिर का पीछे आप जाएंगे मेन जो भगवान गोरक्षनाथ जी का तपस्थल आपको दिखने को मिलेंगे। और उससे आगे बढ़ेंगे या फिर उससे पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके पीछे एक और एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ को जाना है, फिर पहाड़ उतर के फिर चढ़ना पड़ता है। तो जब उतरते हैं वहाँ पर दत्तात्रेय भगवान का धुनी है, और धुनी का दर्शन करके आप आगे जाकर दत्तात्रेय भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कुल मिलाकर 10,000 सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि जहाँ अंत में दत्तात्रेय भगवान तक पहुँचना है तो 10,000 सीढ़ियाँ हमको चढ़ना पड़ेगा।